हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोगों का मोबाइल में या लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई भी हाई क्वालिटी वीडियो फाइल अगर हम लोग प्ले करते हैं तो उस समय में दरकार पड़ता है मीडिया प्लेयर का। जैसा वीडियो मीडिया प्लेयर, हाई क्वालिटी वीडियो प्लेयर, जिसके अंदर हम लोग लैंग्वेज को चेंज कर सके, मतलब डुअल लैंग्वेज कोई वीडियो होता है कि अभी के टाइम में जो मूवी वगैरह हैं वो सब डुअल लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं, मतलब इंग्लिश में भी देख सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग हिंदी में भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारा लैंग्वेज उसमें ऐड रहता है। हम लोग चेंज करके वीडियो प्लेयर के मदद से हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग मूवी का इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, इसी मूवी को चलाने के लिए आपको दरकार पड़ता है वीडियो प्लेयर का। तो फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले VLC मीडिया प्लेयर, आप जानते होंगे कि VLC मीडिया प्लेयर एक वीडियो प्लेयर है जिसके ऊपर क्लेम आया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है और इसके अंदर मैलवेयर छुपा है। फ्रेंड्स, मैलवेयर क्या है, मैलवेयर किस तरह से हम लोगों का नुकसान कर सकता है, बहुत सारा वीडियो मैं बना दिया हूँ, बट आज के डेट में उस वीडियो के अंदर व्यू कम आ रहा है, बट अगले 5-6 साल के अंदर आप सभी को पता चल जाएगा कि मैलवेयर क्या है और किस तरह से हम लोगों को नुकसान कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मैलवेयर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाइए, आपको बहुत सारा मैलवेयर रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी के टाइम में बहुत ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर VLC मीडिया प्लेयर अवेलेबल है। आपने न्यूज़ जरूर देखे हैं, मैं आर्टिकल अभी के आपके सामने शो कर रहा हूं कि VLC मीडिया प्लेयर का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो लॉगिन नहीं हो रहा है। वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रहा है, ये एक मैलवेयर सॉफ्टवेयर है और हम लोगों का नुकसान कर सकता है, कुछ इस तरह का इसके ऊपर कंप्लेन है। तो फ्रेंड्स, फुल डिस्कस करेंगे। अगर आप VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं आपका लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर, साथ ही साथ मोबाइल के अंदर, और अगर आपका जो VLC मीडिया प्लेयर है अगर सच में उसके अंदर मैलवेयर है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करिएगा, फुल डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो VLC मीडिया प्लेयर है वो आपका डाटा चुरा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एंड तक देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, कुछ इस तरह का टेक वीडियो, क्रिएटर बेसिस वीडियो, साथ ही साथ क्रिप्टो बेसिस वीडियो में डेली आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले ही VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर कंप्लेन आया था कि एक चाइनीज सॉफ्टवेयर है और ये मैलवेयर है इसके अंदर और ये यूजर का डाटा चुराता है, इस तरह का एक कंप्लेन था VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि VLC मीडिया प्लेयर सच में क्या डाटा हम लोगों का चुरा रहा है, कैसे आप आइडेंटिफाई करिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर यहाँ पे गूगल न्यूज में मैं VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे सर्च किया हूँ और VLC मीडिया प्लेयर रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है वो सारा न्यूज़ यहाँ पे आ गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सारा न्यूज़ है VLC मीडिया प्लेयर को लेके। तो फ्रेंड्स, अभी के टाइम में VLC मीडिया प्लेयर का अगर आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है अगर आप करेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, लेटेस्ट वर्जन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उस समय में अगर आप VLC में लाइव आपको दिखा रहा हूँ, VLC मीडिया प्लेयर अगर आप सर्च करिएगा, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है अगर आप ओपन करने जाइएगा तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन नहीं होगा। इसके ऊपर चार्ज लगाया गया है, डिवाइस के अंदर मैलवेयर इंजेक्ट करता है और हम लोगों का डाटा चुराता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये सर्वर एरर कर दिया है, कैन नॉट रीच यहाँ पे दिखा दिया है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। बट ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है जिसके अंदर VLC मीडिया प्लेयर अभी भी अवेलेबल है, तो इस समय में कैसे आप जानिएगा कि आपका जो VLC मीडिया प्लेयर आपका सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है वो आपका डाटा चुरा रहा है। तो फिर सबसे पहले नीचे में सर्च बार आपको मिलता है, अगर आप विंडोज स्पेस करिएगा तो आपके सामने सर्च बार आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप DATA डाटा अगर आप सर्च करिएगा तो यहाँ पे डाटा यूज ओवरव्यू बोल के एक ऑप्शन आपके सामने आएगा, ये PC के लिए है। मोबाइल में कैसे चेक करिएगा वो भी मैं दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, कुछ इस तरह का टेक वीडियो, क्रिएटर बेसिस वीडियो, साथ साथ क्रिप्टो बेसिस वीडियो में डेली आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप यहाँ पे डाटा लिख कर सर्च करिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिखेगा डाटा यूज बोल के एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना भी एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहा है वो सारा एप्लीकेशन ऑनलाइन बेस है, मतलब इंटरनेट इसमें दरकार पड़ रहा है तभी यहाँ पे शो होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन में आपको दिखा रहा हूँ, जैसा मान लीजिए मैं यहाँ पे ये देखिए मेरे पास KMP प्लेयर है, ठीक है, KM
KMP प्लेयर जो है यहाँ पे KM प्लेयर यहाँ पे 1 MB डाटा यहाँ पे लिया है। तो फिर इस समय में अगर आपका VLC मीडिया प्लेयर आपसे अगर कर रहा है तो उस टाइम में आपका यहाँ पे जो मीडिया प्लेयर है वो यहाँ पे शो होगा, साथ ही साथ जितना डाटा वो यूज़ किया है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरा सबसे ज़्यादा डाटा कौन ले रहा है, गूगल क्रोम, क्योंकि मैं कंप्यूटर के अंदर गूगल क्रोम के अंदर पूरा जो ऑनलाइन काम करता हूँ उसके लिए यहाँ पे गूगल क्रोम यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइम में अगर आपका डिवाइस के अंदर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं उसका तो डाटा यूज शो होगा ही, साथ ही साथ अगर आपका VLC मीडिया प्लेयर आपसे आपका डाटा ज़्यादा यूज़ करेगा तो उस टाइम में आपका VLC मीडिया प्लेयर भी यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे एक एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ करता हूँ कभी कभी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्लेयर है, ठीक है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इसमें रन कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे 18 MB का डाटा यूज़ किया है एक खुद। तो फ्रेंड्स इस समय में अगर आपका VLC मीडिया प्लेयर आपका डाटा चुरा रहा है तो उस समय में आप कंप्यूटर के अंदर चेक कर सकते हैं कि सच में आपका डाटा कौन चुरा रहा है, किस तरह से चुरा रहा है, कितना डाटा चुराया अभी तक। फ्रेंड्स मोबाइल में आप कैसे चेक करिएगा, फ्रेंड्स मोबाइल में सेटिंग में जाके अगर आप डाटा यूज सर्च करिएगा तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही सिस्टम आपको दिखेगा जहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन कितना डाटा यूज़ कर रहा है उस सारा डिटेल्स आप देख पाइएगा। फ्रेंड्स इस समय में बात आता है कि VLC मीडिया प्लेयर यूज़ करना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे सरकार के तरफ से इसके ऊपर जो कंप्लेन है कि ये मैलवेयर इंजेक्ट कर रहा है और लोगों का डाटा चुरा रहा है, तो इस समय में अगर आपको कोई ऐसा लगे, ऐसा कोई रिस्क लगे, अगर आपको लगे कि आपका डाटा चुरा रहा है तो समय में आपको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना ही चाहिए। फ्रेंड्स इस समय में मुझे ये लग रहा है कि जिसके ऊपर ब्लेम आ गया है इस तरह का, उस एप्लीकेशन को ना ही यूज करे तो हम ही लोगों के लिए अच्छा है। मैलवेयर से सावधान रहिए, ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम से सावधान रहिए। कुछ इस तरह का ही टेक वीडियो, क्रिएटर बेसिस वीडियो, साथ साथ क्रिप्टो बेसिस वीडियो में डेली अपलोड के लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो।